दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आजमाती है। Hello everybody, what's up guys? What's up guys? What's up guys? What's up guys? वो तो नहीं बोल पाई लेकिन मैं जरूर बोलूंगा। What's up guys, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज की हम इस वीडियो में कैपकट के बारे में बात करने वाले। तो कैपकट में हम लोफी वीडियो बनाने वाले, जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर तुमने अभी तक कैपकट डाउनलोड नहीं किया है तो कैपकट कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो आप। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके हम एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो फोटो दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मैं फोटो यूज़ करूँगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। तो अब हम इसे ऐड कर चुके हैं कैपकट में। कैपकट में सबसे पहले इसे हम पूरे एक रेशो में रखेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रेशो देगा फॉर्मेट, इस पर जाकर हम इसको अपना साइज दे देंगे यूट्यूब का 16:9 और यहाँ पे फुल स्क्रीन करेंगे इसे। तो फुल स्क्रीन मैंने यहाँ पे कर लिया है, बीच सेंटर में रखना है इसे ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो दिखे बीच में। और इसे हम ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे, तो कुछ इतना बड़ा 20 सेकंड का आप कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने 20 सेकंड का कर लिया है और अब इस थोड़ा जूम इन करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी तरीके से आपको भी करना है। और इसे क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है, ये वाले क्लिप को, और यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देना है। क्यों देना है मैं अभी बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों दे रहा हूँ। और हमें यहाँ पे आगे बढ़कर 10 सेकंड पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा, फ़ोटो को थोड़ा आगे ड्रैग करूँगा कुछ इतने पे, देखें। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल साइज है, देखो यहाँ पे इसे मैं आगे चल के बीच में आ जाएगा। देखिए किस तरह से मूव हो रहा है, बहुत ही स्मूथली मूव हो रहा है। तो इसे हम और एक की फ्रेम ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम लाइन पर जाएंगे 20 सेकंड पे और एक की फ्रेम देंगे। तो की फ्रेम देने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे इसे ड्रैग करके बीच में ला देंगे, वो अपने आप हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको वीडियो बन जाएगा। आपको ये ओवरले डाउनलोड कर लेना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे डाउनलोड करके अब हम इसे ऐड करेंगे। इसमें ओवरले ऐड करने के लिए आपको सिंपली ओवरले पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड ओवरले पे क्लिक करके इसे जहाँ पे आपको ओवरले डाउनलोड है वहाँ पे आपको जाके इसे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओवरले ऐड कर लेता हूँ, ये वाला ओवरले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐड कर लेंगे। और इसे ऐड करने जिसे हम पहले फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन हो जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे देखिए अगर आपका ये इफेक्ट काम नहीं कर रहा है या फिर नहीं चल रहा है तो मैंने इसके ऊपर भी और एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हो। तो अभी से हम लाइटर पर क्लिक करेंगे, इस वाले पे जाके ये लाइटर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। तो इसे हम टिक मार्क कर देंगे, यहाँ पर हो चुका है। और इसे हम अब ट्रिम करेंगे, इसे सिलेक्ट करके लास्ट एंडिंग तक जाना है। इस क्लिप पर सिलेक्ट करके नीचे वाले क्लिप को सिलेक्ट करना है और फिर स्प्लिट कर देना है, फिर इसे डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से वीडियो हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम लिरिक्स ऐड करेंगे। तो लिरिक्स ऐड करने के बाद पहले उसके लिए म्यूज़िक ऐड करना है। यहाँ पे ऐड ऑडियो ऑप्शन, इस पर क्लिक करके साउंड्स पे जाएंगे और फिर हम इसे अपनी गैलरी से निकालेंगे साउंड, या फिर आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे म्यूज़िक है बट हम अपना म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, तो फिर फ्रॉम डिवाइस में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें हर अपना जितने भी हमारे फाइल में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सब हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कोई भी सॉन्ग आप ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे एक सॉन्ग ऐड कर देता हूँ। ऐड कर देने के बाद इसे हम लिरिक्स ऐड करेंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए सिंपली ब्लैक जाएंगे, बैक करके
यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे ऐड टेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारे लिरिक्स है उसे हम ऐड कर लेंगे। तो मैं फटाफट लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिरिक्स अभी ऐड कर लिए हैं, साथ में मैंने कुछ इफेक्ट भी सारे डाल दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं और छुट्टे में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको स्टाइल पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे जो आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल है आप वो डाल सकते हो। फ़ॉन्ट मैंने क्लासिक लिया सिंपल सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन दे दिया है, तो यहाँ पे एनिमेशन के लिए हम एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एनिमेशन पे देखिए यहाँ पे एनिमेशन, तो यहाँ पे एक एनिमेशन ऑप्शन है ऊपर में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करना है और आपको आपका अगर ये एनिमेशन नहीं आ रहा है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, आई बटन पे भी दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे आप सारे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप कोई भी इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने इसलिए ये वाला इफेक्ट लिया, आप चाहो तो ये भी इफेक्ट ले सकते हो, आप जो चाहो वो इफेक्ट ले सकते हो आप यहाँ पे। और इसको अपना टाइम लैप्स से मैं एक सेकंड का बना रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ये वाला टेक्स्ट एनिमेशन। अगर आपको और भी टेक्स्ट एनिमेशन सीखना है तो मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ऑप्शन मैंने येलो कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया ताकि एक अच्छा लगे देखने में भी। तो देख सकते हो आप कुछ इस तरह से बनी है। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.